सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स यह थ्री कैपेसिटर्स सी वन सी टू एंड सी थ्री कनेक्टेड टू 200 हंड्रेड वोल्ट डी सी सप्लाई सी वन वन माइक्रोफराट सी टू टू माइक्रोफराट एंड सी थ्री थ्री माइक्रोफ्राट वी वन वोल्टेज अक्रॉस सी वन वी टू वोल्टेज अक्रॉस सी टू एंड वी थ्री वोल्टेज अक्रॉस सी थ्री टोटल वोल्टेज V 200 वोल्ट इक्वल टू V1 वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री एंड चार्ज Q इक्वल टू Q1 वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू क्यू थ्री टोटल कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर C1 C2 C3 इक्वल टू सी टी इक्वल टू सी वन मल्टीप्लाई बाय सी टू मल्टीप्लाई बाय सी थ्री डिवाइड बाय सी वन सी टू प्लस सी वन सी थ्री प्लस सी टू सी थ्री आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस आल थ्री कैपेसिटर्स इन दिस फार्मूला वी आर गेटिंग हेयर सिक्स अपॉन इलेवन माइक्रोफराट एंड क्यू इक्वल टू चार्ज क्यू इक्वल टू सी टी टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वी टू हंड्रेड वोल्ट सिक्स अपॉन इलेवन मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड इक्वल टू वन पॉइंट जीरो नाइन वन टेन की पावर माइनस फोर कुलम एंड वोल्टेज वी वन अक्रॉस कैपेसिटर सी वन इक्वल टू क्यू वन अपॉन सी वन एन क्यू वन इक्वल टू वन पॉइंट जीरो नाइन वन मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर माइनस फोर डिवाइड बाय वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स इक्वल टू वन हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट वन हेयर वोल्टेज वी टू इक्वल टू सेम वे फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव And voltage V3 equal to same way 36.4 volt. So, V1 equal to 109.1 volt, and V2 equal to 54.5 volt, and V3 equal to 36.4 volt. Total energy E stored in all three capacitors equal to E1 plus E2 plus E3. E1 energy stored by Capita C1 1 upon 2 C1 V1 square equal to 1 upon 2 multiplied by C1 1 micro part multiplied by V1 square square of 109.1. See we got here E1 equal to 59.5 .50, multiplied by 10 to the power minus 4 joule and E2 equal to 1 upon 2 C2 V2 square. So, after putting the value of C2 and V2, we got here E2 equal to 29.7 multiplied by 10 to power minus 4 joule, and same way we got E3 equal to 19.8 multiplied by 10 to power minus 4 joule. So, total energy stored in all three capacitors is equal to 59. 0.5 plus 29.7 plus 19.8 equal to E equal to 109.0 multiplied by 10 to the power minus 4 joule. Okay, thank you.